हो, जैसे पर्वत आंधी तूफान सब में अडिग खड़ा है। मां शैल पुत्री ने सिखाया, मेरे बच्चों तुम मेरे समान, जीवन के हर तूफान में एक रस रहो, क्योंकि मानव जीवन है और कलयुगी संसार है, तो समस्याओं का आना स्वाभाविक है। कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके जीवन में कोई समस्या ना हो? है कोई ऐसा व्यक्ति? हर एक के जीवन में कोई ना कोई बातें आती रहती, लेकिन मां शैल पुत्री ने हमें सिखाया कि हमें जीवन में कभी भी बातों से घबराना नहीं है, क्योंकि जीवन में आने वाला तूफान हमें कोई ना कोई तोहफा दे के जाता है। इसलिए हम तूफानों से घबराए नहीं, हम अपनी बुद्धि का हाथ भगवान के हाथों में थाम दें, तो कितनी भी समस्याओं की आंधी आए, कितनी भी समस्याओं का तूफान आए, लेकिन समस्याएं हमारा कुछ भी बिगाड़ नहीं सकेंगी, क्योंकि हमने अपना हाथ किसके हाथ में थाम लिया? स्वयं सर्वशक्तिवान भगवान के हाथ में। इसलिए गायक भी है, जिसका साथी है भगवान, क्या करेगा आंधी और तूफान। तो हम सब संसार के लोगों को तो साथी बनाकर देख ही लेंगे, अनुभव है ना सभी को? कोई भी व्यक्ति क्या जीवन भर हमारा साथ दे सकता है? चाहे वो आपका अपना बच्चा ही क्यों ना हो, लेकिन मनुष्य मनुष्य के पूरे जीवन का साथी नहीं हो सकता। परंतु अगर हमने भगवान का हाथ और साथ पकड़ लिया, अगर हमने भगवान को अपना साथी बना लिया, तो वो कभी भी हमारा साथ छोड़ने वाला नहीं है। ये उस भगवान की गारंटी है। इंसान धोखा दे सकता है, लेकिन भगवान आपको कभी छोड़ने वाला। इसलिए फायदा किसमें? भगवान को साथी बनाने में फायदा है या नहीं है? है ना? लेकिन आज इंसान जब भी कोई परिस्थिति आती है, तो मनुष्यों की तरफ उसका ध्यान जाता है। लेकिन अगर हमारा ध्यान उस सर्वशक्तिमान भगवान की तरफ है, तो वो कभी भी हमारा साथ छोड़ेगा नहीं, कभी भी हमको जीवन में पराजित होने नहीं देगा। इसलिए हम आज एक सूत्र याद रखें, जीवन में आने वाली बातें बहुत हैं, जीवन में आने वाली समस्याएं बहुत हैं, लेकिन जिन आत्माओं ने सर्वशक्तिमान भगवान का हाथ और साथ पकड़ लिया, उनको ये महसूस होगा बातें बड़ी नहीं है, मेरा बाबा बड़ा है या नहीं, मेरा भगवान बड़ा है, मेरी मैया बड़ी है। समस्याएं आएंगी, लेकिन वो घबराएगा नहीं, क्योंकि वो उस परमात्मा माँ की गोद में बैठा है, उसकी गोद में